Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. जितने भी लोग नए हैं इस चैनल में, हाय, माय नेम इज़ पूजा बुद्राजा और मैं ब्यूटी और फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे. तो आप मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्लीज़ फॉलो करो, बिकॉज मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो करो. ओके, कमिंग टू दिस वीडियो जो आज हम लोग करने वाले हैं. आज मैंने ये पीछी न्यूड पिंक मेकअप ग्लैम किया है. जितने भी लोग हैं जो बिगिनर्स हैं और उनको बहुत ही फ्रेश, ड्यूई, न्यूट्रल, न्यूड ग्लैम पसंद है, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. एंड मैंने अपना बेस बहुत ही लाइट रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेस हैवी रखना पसंद नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा फाउंडेशन दिख के ना आए, ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है, बट ऑफकोर्स किया है. तो अगर आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले हम अपना फेस वॉश करके स्किन पूरा क्लीन कर लेंगे. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लवर्थ का ये फेस मिस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और मेरी स्किन ड्राई है. फेस मिस्ट को हम लोग टैपिंग मोशंस यूज़ करके अपने स्किन में सेट करेंगे, ताकि वो बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए. मिस्ट यूज़ करने के बाद हम अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, क्योंकि स्किन प्रेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए. यहाँ पे मैं लवर्थ का डी टैन क्रीम यूज़ कर रही हूँ. इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बिल्कुल भी थिक नहीं है. मेरी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन के मॉइस्चराइज़र्स बहुत थिक होते हैं, बट ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है. डोंट फॉरगेट योर नेक प्लीज़. उसके बाद मैं थोड़ा सा प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, फेरेरो रूची का प्राइमर, बिकॉज़ ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और बहुत ही क्लीन सरफेस देगा मेकअप एप्लीकेशन के लिए. नेक्स्ट मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपने पिगमेंटेड एरियाज़ में, जैसे कि चिन, और मैं इसी करेक्टर को अंडर आइज़ पे भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ही मोस्टली इंडियन स्किन के एरियाज़ होते हैं जो बाकी के फेस से ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं. अब करेक्टर को हाइड करने के लिए हम थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर. इसका कवरेज मीडियम है एंड बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है. उसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश जो पैक कॉस्मेटिक्स का है. बहुत ही हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है. हमने जहाँ जहाँ करेक्टर यूज़ किया था उसको हाइड करने के लिए उन्हीं एरियाज़ पे कंसीलर एप्लीकेशन होगा. नेक्स्ट अपने फेस को और भी ज़्यादा इवन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 2 पंप शैम्बोर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन है और इसको आप बिल्ड कर सकते हो. बस थोड़े से डॉट्स अपने चीक एरिया पे लगा के आप सेम फ्लैट ब्रश से इसको ब्लेंड कर सकते हो. जब अपना फेस पूरा कवर हो जाए तो थोड़े से डॉट्स अपने फोरहेड पे मैं यूज़ कर रही हूँ और उसको भी सेम फ्लैट ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी.
Also, please never forget your neck when you're using foundation. Next, for the blush, मैं यहाँ पे liquid lipstick ले रही हूँ Smashbox का. थोड़ा सा अपने हाथ पे लेके अपने fingers से tapping motions पे अपने apples of the cheeks पे आप apply कर सकते हो. अब अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर ले रही हूँ. आप कोई भी ऐसा फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हो. मैंने यहाँ पे पैक का पाउडर ब्रश यूज़ किया है. नेक्स्ट फॉर द आई मेकअप, मैं पाउडर से पहले अपने आईलिड्स को सेट कर लूँगी और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पे कोई भी पीच या पिंक टोन को आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड करना है. धीरे धीरे आप कलर की इंटेंसिटी बिल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जैसे मैं कर रही हूँ. बट कोई भी लाइट कलर यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे एप्लीकेशन होगा. आई शेडो एप्लीकेशन के बाद मैं अपने लैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ ताकि मस्कारा जब मैं लगाऊँ तो वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है. मैं यहाँ पे शुगर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है मस्कारा, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा लेंथ भी देता है और वॉल्यूम भी प्रोवाइड करता है हमारे लैशेस को. आई लव दिस मस्कारा. मैं इसके बारे बहुत बार बात कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम में एंड इट्स माई फेवरेट. लुक हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स. आईब्रोज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट मस्कारा का बच जाता है मैं उसी को लेके सिर्फ थोड़ा सा ब्रश कर देती हूँ अपने आईब्रोज़ को, उसको थोड़ा शेप देने के लिए. नेक्स्ट मैं यहाँ पे बेका का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ग्लोई और ड्यूई फिनिश देने के लिए. लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे पीची टोन का लिपस्टिक लिया है अनास्तासिया के लिप पैलेट से. एंड दैट इज़ द फाइनल लुक. मुझे ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल दिखता है, सटल दिखता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्यूई लगती है एंड आई लव इट. प्लीज़ लेट मी नो हाउ डू यू ऑल लाइक इट. सो दिस वॉज द कम्प्लीट लुक. आई होप यू ऑल लाइक इट एंड फाइंड इट वेरी वेरी ईजी. मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से इसको किया है और ये मेरे चैनल का पहला मेकअप वीडियो है तो मुझे इसको बहुत ही आसान बनाना था, ईजी बनाना था ताकि बहुत से लोग इसको रिक्रिएट कर सके. और अगर आप रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे. आई विल कीप माई लिंक्स हियर. इंस्टाग्राम पे मैं आर्टिस्ट पूजा बुद्धराजा के नाम से हूँ और फेसबुक का भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी. आप प्लीज़ मुझे टैग करना जस्ट इन केस आप ये ट्राई करते हो तो. एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट. क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था मेकअप का, आई हैव केप्ट इट वेरी वेरी मिनिमल ताकि किसी को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो. एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग धीरे धीरे करके आगे स्टेप्स सीखें मेकअप के. सो दिस वॉज वेरी वेरी बेसिक. जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं एंड मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सब लोग इतने अच्छे प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं. यू गाइज़ आर सो सो स्वीट एंड दैट इज़ इट. ऐसे ही प्यार देते रहो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. घर पर रहो, खुश रहो और मेरे वीडियोज़ देखो और इन्जॉय करो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.